हेलो दोस्त, रेलवे अप्रेंटिसशिप 2019 और 2020 का आ चुका है, जिसमें टाइम बहुत कम बचा है क्योंकि हम लेट हैं, आप नहीं, क्योंकि इसकी अंतिम तारीख 24/6/2019 है और आज है 20/6/2019। तो बहुत लोग देख लिए होंगे, मैंने नहीं देखा था। तो यहाँ पे ICF इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री जो आपका ट्रेन 18 बना रहा है और भारत का नहीं कहें पूरे विश्व का सबसे ज़्यादा कोचेज बनाने का कीर्तिमान इसी साल बनाया है ICF में, जो आपका मद्रास के पहले अभी तमिलनाडु राज्य में है, जिसको पेरम्बूर में बोलते हैं, जो ICF कोच फैक्ट्री है। तो इंडियन रेलवे के अंतर्गत आता है सारा चीज़ें, आपको भारतीय रेलवे के ये पार्ट का बनाता है, कोचेज बनाता है। और यहाँ पे अप्रेंटिस करने का एक सुनहरा मौका है, जिसमें पोस्ट की संख्या 480 है, जिसमें 10th+ ITI दोनों के लिए अलग अलग निर्धारित है। एज आपका 15 से 24 ईयर है। अब कुछ लोगों का बहुत सवाल आता था, जहां ऑफिशियल कई जगह नहीं मिलता था, पहली बार ऑफिशियल मिला है, स्टिपेंड या छात्रवृत्ति कितने मिलेगी? तो फर्स्ट साल के लिए 57,000, सेकंड साल के लिए 6,500 और थर्ड साल में अगर आपका हुआ तो यहां पे 7,350 रुपये पर मंथ मिलेगा स्टिपेंड्स के रूप में या छात्रवृत्ति के टर्म में। तो इसको देखते हैं एक एक करके, कैसे हमें करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन, क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, दोनों चीज़ को देखेंगे। तो वेबसाइट पे जाइएगा, तो सबसे पहले आप वेबसाइट देख लीजिएगा ध्यान से, icf.indianrailway.gov.in ये वेबसाइट है। अब इस पर ढूंढिएगा लोग तो मिलेगा नहीं, आपको राइट साइड में यहाँ देखना है जहाँ पे न्यूज़ एंड अनाउंसमेंट है, इसमें एक न्यूज़ फ्लैश करते हुए मिलेगा जिसमें है एक्ट अप्रेंटिसशिप 2019। इसे क्लिक करेंगे तो एक नया पेज खुलेगा, उस पेज पे फिर से क्लिक करेंगे तो एक नया पॉपअप खुल जाएगा जिसमें एक्ट अप्रेंटिसशिप 2019 के लिए है। तो यहाँ से दो तीन चीज़ें आपको देख लेना है जिसके बारे में हम बात करेंगे डायरेक्ट यहाँ पे। तो पहली चीज़ आपको यहाँ पे है कि नोटिफिकेशन अगर देखना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन इंग्लिश में, हिंदी में क्या क्या पर्सनल क्वेश्चन हो सकता है, ए फे क्यू, वो भी देख सकते हैं, ये पूरी डिटेल है। तो नोटिफिकेशन ऑलरेडी मेरे पास है, लेकिन पहले देख लेते हैं ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक, जो ऑनलाइन अप्लाई यहीं पर है, क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन। इसे अगर ओपन करते हैं तो एक और नया पेज खुलेगा जहाँ तीन स्टेप हैं, तीनों स्टेप को आपको कंप्लीट फॉलो करना है। तीनों स्टेप क्या क्या है देख लेते हैं पहले एक एक करके। पहला स्टेप है अपना पर्सनल डिटेल भरना है एप्लीकेशन फॉर्म के रूप में, दूसरा अपलोड करना है डॉक्यूमेंट जो दिखाएंगे क्या क्या है, और लास्ट में जनरल एक्नॉलेजमेंट है, इसी में आपको कहीं ना कहीं पेमेंट करना है। पेमेंट उन कैंडिडेट को करना है जो UR और कुछ और कैटेगरी है, उसको भी देखेंगे। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन देखना बहुत ज़रूरी है, तो नोटिफिकेशन पहले खोल लिया जाए, मैं हिंदी में ओपन कर रखा हूँ। ये चेन्नई का है, सवारी डिब्बा कारखाना चेन्नई, ICF बोलते हैं इसे, और ICF में आप देख सकते हैं पोस्टों की संख्या अलग अलग करके यहाँ पे तो पूरी डिटेल में दी हुई है। तो पूरी डिटेल में आप देखेंगे तो पहले कारपेंटर है, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, मशीनिस्ट, पेंटर, वेल्डर, कुल मिला के 480 पोस्ट है, एक कैटेगरी वाई है, सब आप देख लीजिएगा, टोटल डिटेल है। और इधर कुछ है, यहाँ नया आ गया है, तो नए वाले में आप जाएंगे तो यहाँ पे 10th एजुकेशन चाहिए और पूर्व ITI के लिए कहें तो ये 510 है, दोनों को जोड़ देंगे तो ये टोटल वैकेंसी अलग कंडीशन हो जाएगा। मैं केवल नया 10th वाला 480 लिखा हूँ, 510 को और जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 90 और 990 पोस्ट टोटल है, टोटल कहें तो दोनों का अलग है, नया का अलग कंडीशन है, पूर्व ITI के लिए अलग है। तो दोनों को कंडीशन हम नीचे की तरफ देखते चलेंगे, तो नीचे की तरफ आइएगा तो इसके लिए एज निर्धारित जो किया गया है 15 से 24 प्लस, आपको छूट दी जाएगी अपनी अपनी कैटेगरी में, वो देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए दोनों अलग अलग क्या है, पूर्व ITI कोर्स के लिए, देखिए पूर्व ITI कोर्स के लिए आपको एक वर्ष का होगा प्रशिक्षण अवधि यानी अप्रेंटिसशिप, जिसमें आपको 10वीं के साथ साथ ITI भी चाहिए, आपको ITI निर्दिष्ट ट्रेड में होना चाहिए तभी आप एक वर्ष में कर सकते हैं, जिसमें फिटर, इलेक्ट्रिशियन, मशीनिस्ट, कारपेंटर, प्रोग्राम एंड सिस्टम अपडेशन जो भी है, ये पूर्व ITI के लिए है, जिन्होंने ITI ऑलरेडी कर रखा है, पूर्व ITI है, जिसमें देखिएगा उत्तीर्ण होना तथा निर्देश ट्रेड में नेशनल ट्रेड प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, जो नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग द्वारा होना चाहिए, कई बार स्टेट वाले भी लोगों लगाते हैं, चलता है सब। उसके बाद दूसरा आपके पास है नया वाला, जिसमें आपके नया कैंडिडेट है यानी 10+2 या 10 ही केवल किए हैं, उनके लिए 50% अंक के साथ 10वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए कक्षा 10 में, इनके लिए प्रशिक्षण अवधि 2 वर्ष होगा। 2 वर्ष होगा कौन कौन, फिटर, इलेक्ट्रिशियन, मशीनिस्ट, कारपेंटर और पेंटर को, लेकिन वेल्डर के लिए 1 साल
तीन महीने का होगा प्रशिक्षण अवधि, ये पूरी डिटेल है। तो नया में आप भरना चाहते हैं तो नया में भरिए, पुराना में भरना चाहते हैं तो पुराना में भरिए, उसके हिसाब से देख लीजिएगा, मतलब ITI के हिसाब से देखिएगा और न्यू के लिए। उसके बाद छूट व्यवस्था जो भी है आप देख लीजिएगा। यहाँ बात किया जाता है छात्रवृत्ति की, तो छात्रवृत्ति में देखेंगे तो पहले साल के लिए आपको नया में 5700 और दूसरे साल के लिए 6500 दिया जाएगा। पूर्व ITI के लिए पहले साल के लिए 5700 और 7350 तीसरे साल के लिए। ये पूरी स्टिपेंड्स की डिटेल है। उसके बाद और बात करेंगे तो उसके बाद आपका बहुत सारी डिटेल है। आवेदन आपको लास्ट करने का तारीख 24/6 निर्धारित की गई है, 5 बजे तक, आज से 4 दिन बाकी है। एक्टिव कहाँ से होगा वो सारा है। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है ये देखिए, JPG फॉर्मेट में अपलोड करना है डॉक्यूमेंट, जिसमें कक्षा 10 का अंक पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, जो अगर आप अनुसूचित जनजाति वगैरह OBC से हैं वो, रोजगार एक्सचेंज मेरे स्टेशन है तब, माता पिता का पहचान पत्र और सेवानिवृत्ति पत्र अगर रेलवे के कर्मचारी के कोई सदस्य है तो। यानी रोजगार एक्सचेंज से आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए ही, वो तमिलनाडु का चाहिए आपको। उसके बाद PWD प्रमाण पत्र, ITI अंतिम है। उसके बाद आपका पासपोर्ट आकार फोटो, अगर आप 10th पे कर रहे हैं तो ITI आपके पास होगा नहीं। देखिए यहाँ पे NCBT और SCBT दोनों लिखा है, ध्यान से देखिएगा, इस वाले पे NCBT और SCBT दोनों है तो अप्लाई कर सकते हैं। पासपोर्ट आकार फोटो करना है, प्रोसेसिंग शुल्क रसीद करना है, आधार कार्ड डालना है, इतना आपको अपलोड करना है। इसमें से अगर 10th है तो 10th के कंडीशन में आपको ITI लगेगा नहीं। तो ये पूरी डिटेल है, उसके साथ में और देख सकते हैं। तो और एक और ऑप्शन यहाँ पे दिया है, अंतिम तारीख तो दिया हुआ है। फ़ी के बारे में, फ़ी मैं यहाँ पे स्किप कर दिया हूँ। फ़ी देना है 100 रुपये, किनके लिए छूट है, यहाँ पे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, PWD महिला अभ्यर्थियों को फ़ी नहीं लगेगा, बाकी कैंडिडेट को फ़ी लगेगा, तो देख लीजिएगा। उसके बाद आपको लॉगिन ID वाले पे चलते हैं, लॉगिन ID वाले में हम जाएंगे तो पहला स्टेप है फिल द एप्लीकेशन, एप्लीकेशन फिल कीजिएगा तो ये आपका ऑप्शन बन जाएगा। एप्लीकेशन नेम है, आपका नाम भरना है, उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ, जेंडर वगैरह वगैरह, मोबाइल नंबर, ईमेल ID वगैरह, जो भी आपका 10th क्लास मार्क्स वगैरह, टोटल एक फॉर्म भरना है, इसके बाद सबमिट कर देना है। उसके बाद दूसरी कंडीशन आपकी आएगी, वो लॉगिन करके जो भी आगे का प्रोसेस होगा उसमें आपको जाना पड़ेगा। तो दूसरी कंडीशन में आपको क्या करना है, अपलोड रिक्वायरमेंट आपके डॉक्यूमेंट, उसके लिए लॉगिन करना पड़ेगा। पहले लॉगिन करके जाइएगा तो ये सारा अपलोड करने के लिए करना पड़ेगा, इसके लिए रजिस्ट्रेशन आपका जनरेट हो जाएगा, उसके बाद ये सारी चीज़ें आप प्रोसेस कर सकते हैं। ये था डिटेल, तो जल्दी कीजिए। टोटल पोस्टों की संख्या 480 और प्लस 510, दोनों को मिला ले तो 510 टोटल है आपका, 990 पोस्ट। थैंक यू, धन्यवाद।